नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो देखो, वही जो गॉगल्स पहने हुए हैं ना, अरे बहुत दौलत है उसके पास। अगर ये पंछी अपने जाल में फंस जाए तो अपनी जिंदगी सुधर सकती है। तुम कुछ सुन भी रहे हो या मैं ऐसे बकबक कर रही हूँ? मैं सुनने से ज्यादा देखने में बिलीव करता हूँ। लड़का शक्ल सूरत से बुद्ध लग रहा था, ये जल्दी फंस जाएगा। सुनो तान ला। ये ले, काफी है। भैया यू आर ग्रेट, जरा पाँव बाहर निकालिए। क्यों? आज आपके पाँव छूने को जी चाहता है। बदमाश, शाम को जल्दी आना घर। अरे भूल गए आप, शाम को कॉलेज के स्टूडेंट्स की पार्टी है। ठीक है, रात को जल्दी आना घर। क्यों भाई, ले लिया भत्ता बड़े भाई से? बड़े बड़े शर्मन कुमार देखे, मगर अपने आनंद जैसा फरमा बरदार भाई मैंने आज तक नहीं। अरे छोड़ यार, कहे के फरमा बरदारी, भाई का चमचा है चमचा। क्या कहा आनंद, तू बुरा क्यों मानता है? हम लोग मजाक कर रहे हैं। खैर छोड़ इस बात को, ये बता प्यारे, तूने रात की पार्टी के लिए पार्टनर किसको चुना है? पार्टनर? हाँ यार पार्टनर। कम ऑन आनंद, कम ऑन। अरे फंस गया बेचारा। जेम्स बॉन्ड, मैं अंदर आ गया हूँ चुपके से। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? जी नहीं। तो मैं उसको अंदर भेजता हूँ। किसे? वो जो आपको डिस्टर्ब करना चाहता है। आइए मिस्टर डिस्टर्बेंस, आइए। ये है मिस्टर विजय, मिलिए इनसे। नमस्ते। नमस्ते कर रहे हैं आप? यहाँ से बाहर जाइए ना, मुझे इनसे कुछ अकेले में बातें करनी है। जाइए। जाता हूँ भाई। मैं बैठ सकता हूँ? बैठिए। कुछ कहने की बजाय अगर मैं आपको कुछ दिखाई दूं तो सारी बातें आपकी समझ में खुद ब खुद आ जाएंगी। ये मेरी छोटी बहन रूपा है और ये आपके छोटे भाई। ये दोनों इस तरह। अरे आप रो क्यों रहे हैं? बैठिए ना। आपके भाई साहब ने पहले मेरी बोली बाली बहन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, फिर उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसे पहचानता भी नहीं। जब उसने बेचारी रूपा का दिल तोड़ दिया तो वो दुनिया छोड़ने को तैयार हो गई, और आप कहते मैं रो भी नहीं। अजी रोना तो आपको भी आना चाहिए। हाँ अगर ये सच है तो वाकई आनंद ने आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। मेरे साथ नहीं, मेरी बहन के साथ। आनंद ने जो नादानी की है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। वो अभी बच्चा है, भूल हो गई है उससे। हाँ अगर आप चाहें तो क्या आपकी बहन के गम के इलाज की कीमत दे सकता हूँ। मैं जानता था आप यही कहेंगे आप। जरा सुनो तो सही, क्या कीमत लगाई आपने हमारी इज्जत की? जो आप कहें। हाँ अगर मैं कहूँ 50,000 रुपए। ये भी कम है, इतनी छोटी सी रकम आपकी बहन की इज्जत की कीमत नहीं हो सकती। फिर भी आपका बहुत बड़ा एहसान होगा अगर इस रकम के बदले आप सब कुछ भूल जाने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करेंगे, करनी ही पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेहरबानी और करेंगे आप? फरमाइए। मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत चाहिए, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना है। परसों आप आइए और अपना लिफाफा ले जाइए। आपके लिए ये भी मंजूर है। अच्छा मैं चलता हूँ, टाटा। क्या बात है सर जेम्स बॉन्ड, इतना हम सा आदमी गरम कर गया चुपके से, किस उलझन में पड़ गए? उलझन नहीं कन्हैया, तो एक मुश्किल आन पड़ी है। मुश्किल क्या हुआ?
जरा हाथ तो दिखा, तुम्हारे हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं है। तो क्या इनकार कर दिया उसने, अब क्या होगा? उदास क्यों होती हो रानी, कभी जिंदगी में 5,000 रुपए इकट्ठे देखे हैं? 5,000? हाँ, उम्मीद हो 5,000 की और मिल जाए 25,000 तो। 25,000 कहाँ है? अभी तो खाली लिफाफा भी हाथ नहीं आया। हाँ, बात पक्की कराया हूँ, 50,000 रुपया देने का वादा है परसों के आनंद के बड़े भाई ने, बस 25 मेरे और 25 तुम्हारे। सच? बिल्कुल सच, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन आनंद का बड़ा भाई तो एक नंबर का बेवकूफ निकला, मेरी एक्टिंग के सामने बिल्कुल फ्लैट हो गया, फ्लैट। अफसोस हो रहा है मुझे, उस वक्त मेरी जुबान से 50,000 रुपए के बजाय 1,00,000 रुपए निकलता तो तुम्हें पति न मिलने के गम में कम से कम मैं तुम्हें लखपति तो बना देता। लखपति? मैं? एक 10 रुपए दोगे? 10 रुपए? वो किस लिए? आज मैं बहुत खुश हूँ, 3 बजे का शो बॉबी देखूंगी, जब मेरे 25 मिलेंगे उसमें से 10 काट लेना। अरे 10 क्यों, आज तो तुम 20 लो और 10 के बजाय टैक्सी में जाओ। हाँ, अरे तुम भी क्या याद करोगी, मेरे जैसा पार्टनर मिला था। अच्छा अब मैं आइसक्रीम खाता हूँ, टाटा। टैक्सी। नवाब जान, मिल गया हमारे दिल का नगीना, हमारी बेगम सकीना। मुबालक मुबालक। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ओए अल्लाह। आप हमें रोता भी लगता छोड़कर कहां चली गई थी, चलिए हम आपको लेने आए हैं सकीना। नवाब जान पूछिए पसीना। कौन है आप? ठंड में गया आपका बाप, ये आग सब उसी बुड्ढे की लगाई हुई है, वरना इतनी छोटी सी बात के लिए कोई घर छोड़ कर जाता है। अरे देखिए आपके गम में नवाब साहब की हालत क्या हो गई, अरे हुक्का तक पीना छोड़ दिया। बस पीते हैं और जीते हैं, बस 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 बस। मेरी समझ में नहीं आता आप लोग हैं कौन, क्यों मेरे गले पड़ रहे हैं? हलाकू खान। नवाब जान समझाइए ना इन्हें। हाँ अभी समझाता हूँ, मतलब आइए बगल में, आइए आइए आप। नवाब साहब ने अपनी बेगम साहिबा को एक नौ लथा हार देने का वादा किया था, अरे हाल देने में देर क्या हो गई के अंधेल हो गया, बेगम तो चली गई, नवाब साहब का दिमाग भी चल गया, अब जब किसी हसीन लड़की को देखते हैं तो दोनों हाथों से धकाधक 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 बाल लुटाना शुरू कर देते हैं, दौरा पड़ जाता है। इस दौरे का फायदा उठा लो, चूना खाएंगे आप? क्या जमाना आ गया, दीदी हमारी और समझाए कोई और। समझ गई? समझ तो गई, लेकिन डर लगता है। अरे सूखे पान के पत्ते पे चूना लगाने से काय को डर रही हो? अरे नवाब साहब के दौले का फायदा उठा लो और जितना माल घसीट सकती हो घसीट लो, लपेट लो, मगर शर्त याद रखना, बाल में अपना आधा आधा तो आ जाओ। वहाँ इस तरह हमारे सामने खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने आप को देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप, दरवाजा खोले। इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह हाय अल्लाह, ज़रा भी नहीं बदली आप, वही अदा मस्ताना सर से पांव तक छाई, उफ ये काफिर जवानी जोश पे आई हुई। लगता अभी तक नाराज है हमसे, समझा वही पुराना खेल खेलना चाहती है, तैयार है हम भी, आपकी एक मुस्कुराहट हमारे दो नज़र। लीजिए आपकी 5 उंगलियां इस मुट्ठी में और 200 के 5 नोट इस मुट्ठी में और आपकी बाह हमारे गले में। अब और क्या चाहिए बेगम, समझ गया? वही 9 लाख हाथ जिसकी वजह से आप हमसे रूठ कर चली गई थी, यही था वो हमारा रकीब, हमारी मोहब्बत का दुश्मन। ये मेरा है? हम भी तो आपके हैं, करीब आइए आपको पहना दो। क्या हो गया इन्हें? अली फील हो गया। अरे मुंह क्या देख रही हो, भागो यहाँ से, हवा हो जाओ। अले चली कहाँ, मेरा हिस्सा तो दे दी जाओ। ये हाल 9 साल ने दिया, ये हाल दे दिया। अले बली खुशकिस्मत निकली, अले 10 मिनट में 9 लथे हाल का धरन टट्टा कर दिया, मगर कुछ नकदी भी तो दी होगी। हाँ दी है, इधर ले आओ, वहाँ क्या है वो भी आन दो, वहाँ भी है, सही है। लेकिन ये 20 तो मेरे अपने हैं। अले 20 को देख रही हो, 9 लथे हाल को नहीं देख रही हो, कैसा चमचम कर रहा है।
नौलख के हाल को लेके फौरन 9-2-11 हो जाओ। लेकिन मैं अले अगल बुढ़े को होश आ गया तो पुलिस को बुला के सब कुछ घसीट लेगा वापस। निकल लो जल्दी से। लेकिन घर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अले तो अठन्नी मुझसे ले लो बस के लिए, मगर बस में संभाल के बैठना, हाल कीमती है और शहर में चोर चक्के बहुत घूम रहे हैं। खुदा हाफिज। पतली गली से निकल लो, संभालना बीच में खंबा आएगा, जाओ। अबे गई बारा के भाव में गई चुपके से। ओ, आप आ गए। आइए 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 बैठिए। वाह 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 वाह, आपका हार बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती भी है। आनंद ने दिया आपको? जी जी नहीं, ये तो मेरा खानदानी हार है। ओ, आपके खानदान का हार इतना कीमती है तो आपका खानदान कितना ऊंचा होगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्या बोल रहे हैं आप? आपके खानदान की इज्जत को रुपयों से तोलना आपके खानदान की बेइज्जती होगी, इसलिए ये रकम देते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं। और हमारे दिल धड़क रहे हैं साहब, हमारी बेइज्जती जानी थी वो हो चुकी। आप जल्दी से हमारा काम कर दीजिए, मैं अपनी बहन को लेकर शहर छोड़कर आज ही चला जाना चाहता हूँ। अगर आपकी यही मर्जी है तो सर, चीफ ने आपको अपने कमरे में बुलाया है अभी इसी वक्त। आप ये नोट गिन लीजिए, मैं भी आया। मैं गिनूंगा। मुझे देना। ठीक है, जितने नए नोट होंगे मेरे होंगे। ठीक है, हाँ। क्या हुआ, सबके सब नए नोट निकले क्या? हमारी बेगम यहाँ मौजूद है और हम शहर के सामने पागल खाने छाना है। नवाब साहब? शुक्र है नवाब साहब का पहचाना तो सही, और अब जरा इसे भी पहचान लो। विजय बाबू। अरे शर्म नहीं, जाती की दरो कट्टो रानी पुलिस में फोन करके आए हैं। हम काम करते हैं, माफ कीजिए, हम आगे तो नहीं करेंगे। ये सब मुझे इसी ने सिखाया, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं सच कहती हूँ, आइंदा मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आइंदा कभी मेरे भाई के रास्ते में आने की कोशिश भी नहीं करना, समझी? नहीं, उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। मैं भी नहीं देखूंगा। चल भाग यहाँ से। चलो बहन। रोक लिया जाए कि छोड़ दिया जाए। चलो छूटो छूटो छूट। अपने इस खानदानी हार को कहीं भूल से बेचने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस नौला का हार की कीमत सिर्फ 9 रुपए। झुंझुने जी, पायल बजाते हुए निकल लो। आदमी है ना औरत, कुत्ता बबाओ। शादी करने चले थे। शादी? शादी तो भाई पहले तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि तुम बड़े हो। बड़ा मैं जरूर हूँ, लेकिन मुझसे बड़ी मेरी जिम्मेदारी है। आप नहीं जानते, आनंद की दौलत की वजह से कई आवारा लड़के उसे अपने जाल में फंसाने के चक्कर में हैं। इसलिए मैं चाहता हूं अंकल, इससे पहले कि वो नादानों में कोई गलत कदम उठाए, उसके पांव में शादी की जंजीरें डाल दी जाए। ठीक है, कोई लड़की है ना घर में? जी हाँ। कौन है? इसी घर में है। हा? अगर आप छोटा मुंह बड़ी बात ना समझे तो लक्ष्मी। लक्ष्मी? फिर लक्ष्मी को तुम जानते तो हो? लक्ष्मी को मैं बचपन से जानता हूँ, इसीलिए तो मैं। जिक्र मेरा मुझसे अच्छा है जो इस महफिल में है। मेरी बात हो रही थी क्या? खैरियत तो है डैडी? सच पूछो तो अब तुम्हारी खैरियत नहीं लक्ष्मी, तुम्हारे डैडी तुम्हें इस घर से निकालने के चक्कर में हैं। है लक्ष्मी, डैडी मेरी शादी करके इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ इस बदकिस्मत के साथ किस किस्मत वाले की किस्मत टकराने वाली है? मैं अगर कहूँ के तब तक नहीं कहोगे? आनंद के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, आनंद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छा समझदार खूबसूरत। जहाँ तक मैं समझती हूँ डैडी, इन्होंने ये सवाल मुझसे किया था, आपसे नहीं। आनंद वाकई बहुत अच्छा लड़का है, समझदार है और अब तो दौलत भी काफी है, लेकिन अक्ल की कमी है। कमाल है लक्ष्मी, जो जी मैं कह देती हूँ। लक्ष्मी को आपने और आपने कोई चाबी की गुड़िया समझ रखा है क्या, या कोई भेड़ बकरी कि जिसके भी हाथ में मेरी रस्सी थमाएंगे मैं गर्दन झुकाकर चली जाऊंगी? मेरी शादी के बारे में सोच सोच कर आप लोग क्यों दुबले हो रहे हैं? शादी मुझे करनी है, जब मेरा जी चाहेगा करूंगी, जिससे जी चाहेगा करूंगी, ये मेरा अपना फैसला है। और जिस दिन लक्ष्मी का फैसला बदलेगा उस दिन उसकी दुनिया बदल जाएगी।
विजय, अच्छा ही हो लक्ष्मी ने अपना फैसला तुम्हें खुद ही सुना दिया। लक्ष्मी मेरी बेटी है, लेकिन तुम्हें और आनंद को मैंने अपनी औलाद से कभी कम नहीं समझा। मुझे इस बात की खुशी है एक बेटी के फैसले ने एक बेटे की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन अंकल सुनो, मैं ज्वाला प्रसाद जी को फोन करता हूँ, उनकी बेटी मेरी देखी भाली है, आनंद के लिए बिल्कुल ठीक रहे। क्या सोचते हैं? सोच रहा हूँ अंकल, लक्ष्मी जी जिद्दी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर अपने किसी गम के तूफान में उलझी हुई हो? बताती भी तो नहीं कि उसके दिल में क्या है। Prepare.
तो मेरा दिल। लेकिन आप समझते क्यों नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तकलीफ तो होगी आपको, लेकिन आप जरा समझा सकते हैं कि ये शादी आप क्यों नहीं कर सकते? अब मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं ये शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पहली बार आपके सामने गुस्ताखी कर रहा हूँ भैया, माफ कर देना। ये मेरा अपनी जिंदगी के बारे में पहला और आखिरी फैसला है। और मेरा फैसला भी सुन लो आनंद, तुम्हारी शादी वही होगी जहां मैं चाहता हूँ। मैं तुम्हें किसी आवारा गुमनाम और फालतू लड़के के हाथों खिलौना नहीं बना सकता, समझे? समझी, मेरी शादी हो रही है। क्या? तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मगर क्या करूं, मेरे बड़े भाई साहब है ना, यमराज की तरह मेरे पीछे पड़ गए। यह मेरा फैसला है, तुम्हारी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहता हूँ, यानी मेरे चाहने ना चाहने की उन्हें कोई परवाह ही नहीं। क्यों, तुम किसी और से प्यार करते हो? Exactly. ये तो तुम्हें सिर्फ उसी से शादी करनी चाहिए, आखिर तुम्हारा प्यार भी तो प्यार है। इसीलिए तो कहता हूँ, मुझे किसी भी हालत में ये शादी रोकनी है। और सरोज, एक तुम ही हो जो मेरी राजदार हो, मेरी मदद कर सकती हो, मुझे उस यमराज भाई साहब से बचा सकती हो, वरना सच कहता हूँ मेरा सर्वनाश हो जाएगा। तुम इतने घबराए हुए क्यों, करना क्या होगा? ये दो चिट्ठियां हैं, एक मैंने तुम्हें लिखी है जिसमें मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, और दूसरी तुमने उस लड़के के बाप ज्वाला प्रसाद को लिखी है जिसमें तुमने मुझसे अपने प्यार का इकरार किया है। तुम देखना सरोज, जैसे ही ये दोनों चिट्ठियां मेरे होने वाले ससुर जी को मिलेंगी, मेरी शादी का बाजा बजने से पहले उसका बाजा बज जाएगा। लो जल्दी से इस पे नाम लिख दो, ये लो। क्यों, सोच क्या रही हो? लड़की हूं ना इसलिए सोचना पड़ता है, पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सच? सचमुच, तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, तुम्हें वही शादी करनी चाहिए जहाँ तुम चाहते हो। लाओ। तुम वही कह रही हो जो मैं चाहता हूँ। ये शादी नहीं होगी। बात क्या ज्वाला प्रसाद जी, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, अंदर आइए ना। इस घर की चौखट के अंदर कदम रखकर मैं अब अपने आप को और जलील नहीं कर सकता। शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरह किसी की शराफत का मजाक उड़ाते हुए? मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। लेकिन इस चिट्ठी ने मुझे सबको समझा दिया है। क्या आप आनंद की इंसानियत का ढिंडोरा पीटते हुए मेरे पास नहीं आए थे राय साहब? क्या आपको भी इस बात का पता नहीं था कि आनंद मेरी बेटी के अरमानों की लाश पर से गुजर कर दूसरे की सेज सजाना चाहता है? ये क्या करें आप? मैं ठीक कह रहा हूं, जानबूझकर मैं अपनी लड़की को उस बदमाश के पल्ले नहीं बांध सकता जो सगाई किसी से कर रहा है और लुगाई किसी और को बनाए बैठा है। मेरी तरफ से ये रिश्ता इसी पल खत्म समझिए। सरोज, आज मैं बहुत खुश हूँ, और ये सारी खुशी की वजह से तुम हो। तुम्हारे इस एहसान के बदले मैं जल्द ही तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। हाँ हाँ, बोलो क्या सरप्राइज देने वाले हो भैया? अरे नहीं बाबा, मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं चाहिए। तुम ही तो कह रहे थे तुम्हारे भैया साक्षात यमराज के रूप है, मुझे तो कुछ दिन और जिंदा रहना है। लेकिन आपकी मौत तो आपके सामने खड़ी है देवी जी। भैया, ये सरोज है। अच्छा, तो ये नाम है तुम्हारा? आप सरोज को जानते हैं? जानता ही नहीं, अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुमने भी मुझे पहचान लिया होगा, क्यों? किसी को पहचानने में आप भूल कर सकते हैं, मैं नहीं। आनंद, मुझे इन देवी जी से अकेले में कुछ बातें करनी है, बाहर जाओ। लेकिन भैया। सुना नहीं तुमने? बाहर जाओ। मैंने तुमसे जाने के लिए नहीं कहा, बैठो। मैं आपकी कोई गुलाम नहीं, जो आपका हुक्म मुझे मानना ही पड़ेगा। तुम क्या हो ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। मैं उस कहानी को दोहराकर तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई के रास्ते से हट जाओ, नहीं तो नहीं तो ये सौदा तुम्हें महंगा पड़ेगा।
माफ कीजिएगा, सौदेबाजी की आदत आपको होगी। जिनका दिल साफ होता है उन्हें किसी चीज का सौदा नहीं करना पड़ता। तुम आनंद की कमजोरी का फायदा उठाना चाहती हो और आप मेरी शराफत का फायदा उठा रहे हैं। शराफत? अपने पेशे को शराफत का नाम देते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? जबान संभल कर बात कीजिए, किसी पर इस तरह कीचड़ उछलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए आप क्या है और क्या कर रहे हैं। आनंद कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं, अपना बुरा भला खुद सोच सकता है, और आप अपनी जीत की खातिर उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना कहीं और कर देना चाहते हैं। इस जुर्म का बहादुरी समझते हैं, यही आपकी इंसानियत? मैं यहाँ इंसानियत का सबक सीखने नहीं आया हूँ, और वो भी किसी आवारा लड़के से। आप फिर अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। तुम्हारी सीमा क्या है? तुम्हारी सीमा ये दौलत? कितनी चाहिए ये दौलत? कितनी चाहिए मेरे भाई की आजादी की कीमत? बोलो। जिस दौलत को आप अपनी मुट्ठी में दबाए हैं भूल गए ये दौलत भी आनंद की है। आप अपनी खुशी के खातिर उसकी दौलत लुटा सकते हैं, लेकिन मैं हर हालत में आनंद की खुशी चाहती हूँ। आप उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना कहीं और नहीं करा सकते। तुम मुझे धमकी दे रही हो? एक मामूली सी लहर एक चट्टान से टकराने की कोशिश कर रही है? जिसे आज आप एक मामूली सी लहर कह रहे हैं, याद रखिए वक्त आने पर वो आपके लिए तूफान भी बन सकती है। शायद आजमा कर देख लीजिएगा, लहर को तूफान से अलग करने के लिए कहीं चट्टान को खुद न रास्ते से हटना पड़ जाए। भैया ये क्या हालत बना रखी है तुमने? चलो घर चलो, माँ तरस रही है तुम्हें देखने के लिए। नहीं सरोज, मैं घर नहीं जाऊंगा, इसलिए तो चुपके से तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये लो सरोज, माँ को दे देना और अपना ख्याल रखना, और हो सके तो अपने भाई को भूलना नहीं। भैया आखिर ये सब बुरे धंधे तुम छोड़ क्यों नहीं देते? सरोज मैं एक ऐसी दलदल में फंस चुका हूँ जहाँ से मौत भी मुझे आजाद नहीं करा। मैं तुमसे बार बार नहीं मिल पाऊंगा, अगर तुम्हें मुझसे कभी मिलना हो तो वर्ली में प्रिंस कैफे है ना, उसके काउंटर पे मैसेज भेज देना। अब मुझे लौट जाना चाहिए, किसी ने अगर देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। जा रहे हो? जाओ भैया, पर इस पाप की कमी से तुम अपनी माँ और बहन के आंसू नहीं पूछ सकते। माँ को उसका बेटा चाहिए, बहन को उसका भाई चाहिए। तुम लौट आओ भैया, उस पैसे से वापस लौट आओ। नहीं सरोज, ये नामुमकिन है, ये कभी नहीं हो सकता। जिस रास्ते पर बढ़ चुका हूं वहां से वापस कभी नहीं आ सकता। किसी ने मुझे देख लिया है। वाह वाह, बहुत अच्छे, देख रहा हूं काफी तरक्की कर रही है, दिन में भी फुर्सत नहीं है। कौन सा नंबर है इसका? आपके भाई आनंद से इसका नंबर पहला है, गिनते रहिए। आनंद, जिस लड़की को तुम इस घर की बहू बनाने के सपने देख रहे हो, जानते हो दिन में तुम्हारे जैसे 10 लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करना उस लड़की का पेशा है। ये झूठ है भैया, यही सच है। एक तरफ वो तुमसे प्यार का नाटक रचा रही है और दूसरी तरफ किसी और के गले का हार बने हुए। मैं नहीं मानता, सरोज ऐसी लड़की नहीं है, इसमें जरूर आपकी कुछ चाल है। आप नहीं चाहते कि सरोज मेरी जिंदगी में आए, इसलिए आप मेरे और उसके दरमियान शक की दीवार खड़ी कर देना चाहते हैं, लेकिन मैं सरोज को पाने के लिए हर दीवार को ठोकर मार सकता हूँ।